बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में एक इच्छा रहती है कि एक अच्छी तरह से तीर्थ यात्रा करके आ जाएं। उसको अच्छे से कराने में दिल्ली सरकार की इस योजना ने काफ़ी भूमिका निभाई है। पर आज आपके माध्यम से उन लोगों को जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, मैं एक ज़रूरी सूचना देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तीर्थ यात्रा योजना जो है वो रेलवे के सहयोग से चल रही थी, IRCTC के सहयोग से, और उन्होंने हमको ट्रेन्स उपलब्ध कराई हुई थी। उनके साथ MOU है कि हम जितने भी हमारे यात्री होंगे, जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, उतने को हम लेके जाएंगे। लेकिन समहाउ फॉर द रीजन्स बेस्ट नोन टू देम, उन्होंने कल हमें एक चिट्ठी लिखी है कि वो अभी ट्रेन्स उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको कहना चाहता हूँ कि फिलहाल तीर्थ यात्रा इस कारण से स्थगित रहेगी कुछ समय के लिए, जब तक कि रेलवे से और ट्रेन्स उपलब्ध नहीं हो पाती या फिर हम कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेते। मुझे उम्मीद है कि जो भी टेक्निकल कारण होंगे, रेलवे उनको तुरंत एड्रेस करके वापस इस यात्रा की शुरुआत करेगी। मैंने पीयूष गोयल साहब से भी टाइम मांगा है, रेलवे के अधिकारियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर डेटा देखें तो आपको बताया कि 12 रूट्स पर हमने तीर्थ यात्रा की शुरुआत की है। इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे 10 रूट्स हुए हैं और अब तक 32,828 यात्री ट्रेवल कर चुके हैं। इसमें कुल मिला के रजिस्ट्रेशन देखें इस यात्रा की पॉपुलरिटी में, 63,000 लोगों ने, करीब 63,435 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। 32,828 ट्रेवल कर चुके हैं। 30,877 यात्री अभी पेंडिंग लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। पहली ट्रेन 12 जुलाई को गई थी और तब से लेके अब तक 34 ट्रेन्स कुल मिलाकर जा चुकी हैं और 30 ट्रेन्स अगले 2 महीने में जाने वाली थी। 18 ट्रेन्स तो इसी महीने जानी थी, जिनमें से कुछ गई हैं और बाकी की आगे अभी कैंसिल करनी पड़ी हैं बिकॉज ऑफ IRCTC के कम्युनिकेशन की वजह से। और 12 ट्रेन दिसंबर में जानी थी और 18 जनवरी में जानी थी। कुल मिला के 30 ट्रेन्स अभी पेंडिंग थी जो रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराए हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी को सूचना देना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी को कम्युनिकेट करने में मीडिया के माध्यम से मदद करें कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की जो यात्राएं हैं वो स्थगित की जा रही हैं। हम IRCTC से भी बात कर रहे हैं, मैं पीयूष गोयल साहब से भी बात करूंगा और उम्मीद करेंगे कि इसका कोई तुरंत हल निकल आएगा। ये सबसे ज़्यादा, आपको वैसे डेटा दे देंगे, सबसे ज़्यादा यात्री जो गए हैं रामेश्वरम, दिल्ली रामेश्वरम के रूट पे गए हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड भी वहाँ की है। अभी तक देखें तो करीब 8,000 यात्री रामेश्वरम जा चुके हैं और 12,000 की पेंडेंसी है। और अभी सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग ट्रेन्स थी अगले 2 महीने में, वो भी रामेश्वरम की थी। 12 ट्रेन्स, 1,000 यात्री करीब जाते हैं। द्वारकाधीश नंबर 2 पे सबसे पॉपुलर है और बाकी देखें तो फिर जगन्नाथपुरी, शिरडी और वैष्णो देवी के रूट्स पे काफ़ी डिमांड है। अजमेर के रूट पे भी काफ़ी डिमांड है। तो कुल मिला के यही सूचना देनी है कि अभी ट्रेन स्थगित हैं और जो लोग, क्योंकि तो उनको हम ऑफिशियली भी कम्युनिकेट करेंगे, पर जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या करा चुके हैं, उनको आपके माध्यम से भी सूचना देनी थी। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? स्पेसिफिक कारण नहीं बताया क्यों? नहीं, रेलवे ने बस एक चिट्ठी लिखी है हमको। अभी अभी बताया नहीं है, उनसे हमारे ऑफिसर्स वगैरह बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज भी ट्रेन्स जानी थी और अगले दिन भी जानी थी, तो आपकी भी मदद चाहिए इसमें मैक्सिमम कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए आपके पास है। ये ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, इन्होंने लिखा है कि जैसे ही हमारे पास में ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है और एज ऑफ नाउ हम रोक रहे हैं, बट जैसे ही होगा आगे इसको फर्दर कम्युनिकेट करेंगे। हाँ, मैंने पीयूष गोयल साहब से समय मांगा है इसके लिए। नहीं, कुछ रूट्स पे बस से जा सकते हैं, रामेश्वरम वगैरह तो बस से नहीं जा सकते हैं।
लोगों की जो सबसे ज्यादा रिमांड्स हैं वो वहाँ की हैं। इसके बारे में किसी को कुछ और क्वेश्चन? ठीक है, देखिए फायर एनओसी हर साल ली जाती है, फायर का सर्टिफिकेट हर साल लिया जाता है। बहुत सारी जगह हो सकता, एज ऑन डेट आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा। आप आइडियली देखें तो वक्त से पहले अप्लाई करके वक्त से पहले हो जाना चाहिए, पर आप क्योंकि मैंने भी जब कंसर्न जाहिर किया था एक डेढ़ साल पहले इन सारी चीज़ों पर, तो मेरी नॉलेज में आया कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास था बट वो एक महीने पहले मान लीजिए एक्सपायर हुआ, तो वो अब उन्होंने अप्लाई कर रखा है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से या अपने स्कूल की तरफ से कोई भी देरी हुई तो उसमें रिन्यू करने में, तो उसमें से बहुत सारे लोग तो रिन्यू के उसमें हैं लाइन में। थैंक यू अमित भाई, आप बताओ। थैंक यू सर। हाँ सर, ये वॉइस रिकॉर्डर।